आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 60 नंबर पैड से कैसे कटिंग करते हैं। सिंपली ये मशीन में पैड हम जो यूज़ कर रहे हैं ये 60 नंबर 8mm पैड हैं, थिकनेस इसकी 8mm है। तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपॉक्सी जेल की कैसे कलरिंग फिलिंग की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कटिंग के बाद हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, जितनी स्लरी है हम इसको उठा के इस बाहर डिस्पोज कर देंगे। उसके बाद आपको ऐसे 60 नंबर पैड के बाद एकदम क्लीन फ्लोर मिलेगा, सारे होल्स वगैरह सब खुल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसकी हमने फिर जितने भी क्रैक्स हैं उनकी डिटेलिंग से क्लीनिंग करनी है, जितने भी ब्लैक स्पॉट्स होंगे सबको ब्रश शैम्पू से क्लीन करना पड़ेगा वन बाय वन। और फ्लोर को हम ओवरनाइट छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। नेक्स्ट डे हम फिलिंग करेंगे। हम जो यहाँ जेल यूज़ कर रहे हैं ये इटालियन जेल है, सेम कंपनी का कलर भी है। कलरिंग हमने अपने सैम्पलिंग के हिसाब से करनी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपॉक्सी जेल की ये खासियत है कि इस पर फिलिंग के बाद क्रैक्स रीओपन कभी नहीं होते और ना इसमें स्टेन्स पड़ते हैं। अच्छे से मिक्सिंग के बाद इसमें हार्डनर मिलाएंगे। इसमें ओनली 10-8 ड्रॉप्स डालनी है। और अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इसको फिल करना है, कहीं से भी ओपन ना हो और एक्स्ट्रा इसमें भर के रखें अगर ये, और प्रेस ज़रूर करें ताकि ये डीप तक जाए। और उसके बाद हम इसको चारों तरफ से कवर अप करेंगे, कहीं भी होल रहना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब फाइनल में आपको ऐसे दिखेगा ये, आपको होल कहीं दिखेगा नहीं, तो प्रॉपर फिलिंग हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो कटिंग में आपका निकल जाएगा। और लाइनिंग की फिलिंग ऐसे करते हैं। एंड में एक इंस्पेक्शन जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई होल रह गया हो तो दिख जाए या कोई क्रैक्स हो तो दिख जाए। ड्राई होने के बाद इसकी कटिंग करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। उसके बाद हम अपॉक्सी लिक्विड की फिलिंग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।